तजिंदर सिंह जी हैं, ये कमर्शियल सिटी 100 यूज़ करते हैं ES मॉडल, तो ये चंडीगढ़ में चलाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तजिंदर पाजी हमारे दिल्ली NCR में होते थे तो इनका 32,000 जो है ना, ये 50,000 तक टच करता। hey दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त विश्वनाथ। एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो बिजनेस दोस्तों मैं पिछले 3 साल से करा आ रहा हूँ और इसको पार्ट टाइम भी करता हूँ, फुल टाइम भी करता हूँ, मतलब ये लाइफ का बहुत अहम पार्ट बन चुका है। तो इसी में ना मेरे संग डेली जो है कम से कम 80 से 100 लोग नए जुड़ते हैं, है ना, मतलब दे आर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर माय वीडियोस। और जिसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेम टू सेम मेरे जैसा काम करना चाहते हैं और वो ब्लॉग भी करना चाहते हैं, बट कुछ लोग के पास मजबूरी भी होती है और बाइक जहाँ दिखता है कि यार बाइक है, जैसे मेरी खड़ी है, और वहीं पे आता है कि यार अब तो मैं भी काम कर सकता हूँ और बहुत अच्छा अमाउंट कमा सकता हूँ। तो हम इसी के बारे में बात कर सकते हैं कि क्या हम बाइक टैक्सी को सिर्फ करियर के रूप में ले सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले चलो स्टार्ट करते हैं। हर फील्ड में दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो सिर्फ उसकी कमियां ही गिनाते रहते हैं हम लोगों की, इस फील्ड में ये कमी है, इस फील्ड में ये बेकार चीज़ है। हर चीज़ में दोस्तों एक पॉजिटिविटी होती है, एक नेगेटिविटी। अब आपके ऊपर है कि आप क्या लेके चलोगे। आप पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ सकते हो या फिर नेगेटिव को सोचते हुए उस फील्ड से एग्जिट कर सकते हो। हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा लाइफ में कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जिस काम से हमारा परिवार चलता है ना, उसको हमें बिल्कुल रेस्पेक्ट देनी चाहिए। और मैं आज के इस वीडियो में एक एग्जांपल देने वाला हूं जो कि हमारे बाइक टैक्सी में, मैं पिछले 3-3.5 साल से लगभग उनको जानता हूं। इनका नाम है दोस्तों तजिंदर पाजी और तजिंदर सिंह जी हैं। ये कमर्शियल सिटी 100 यूज़ करते हैं ES मॉडल, और ये 2018 का इनका बाइक है और ये तब से ही कमर्शियल बाइक यूज़ करते हैं बाइक टैक्सी लाइन में। तो इन्हीं की मैं अर्निंग प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ इस अगस्त मंथ की, जो लास्ट अगस्त मंथ आपने देखा इसका, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो अपना घर परिवार इस काम के थ्रू चलाते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपना जो मेरा चैनल है, ये मुझे लगता है कि शायद बाइक टैक्सी और इसमें फर्स्ट नंबर पे है। ऐसा कोई भी वीडियो यूट्यूबर नहीं है जिसके अभी 50,000 टच हो गए हों, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसमें आप लोगों की सपोर्ट है, मेरा मेहनत तो है ही दोस्तों। और मेहनत करते हैं ना तो ऊपर वाला आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ देते ही देता है। तो इसी तरीके से जो तजिंदर पाजी हैं, इन्होंने एक इतिहास रच दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों तजिंदर पाजी का सही दिल से शुक्रिया कि वो मुझे टाइम टू टाइम अक्सर, नॉट ये अगस्त की मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ, इन्होंने मुझे अपने लाइफ टाइम की भी अर्निंग शेयर करी हुई है। और ये हर महीने 25,000 से ऊपर अर्निंग करते हैं और अपना घर परिवार इसी काम से चलाते हैं। ऑलमोस्ट दोस्तों तजिंदर पाजी डेली का जो अपने टाइम स्पेंड करते हैं 10 घंटा 11 घंटा, कभी कभी तो वो इतना डेडिकेशन है अपने काम को लेकर कि सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक, मतलब वो 24 घंटा भी चलाएँ। आप समझ नहीं सकते उनकी मेहनत को। मैं तो उनको दोनों हाथ जोड़ के जो है सलाम करता हूँ यार, कि क्या बात है, क्या मेहनत है, और इनके जैसा मेहनत मैं नहीं कर पाऊँगा। और हमारे बाइक टैक्सी में दोस्तों कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, उसके विषय में हम लोग लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके अर्निंग की। अगस्त की अर्निंग देखिए दोस्तों, टोटल इन्होंने 32,529 रुपये कमाया है, जिसमें टोटल राइड लिया है 354 राइड, ओला के जो है 95 है और इन ड्राइवर के 240 है, और इन्होंने ऑफलाइन भी कुछ लेके गए हैं, जब 19 जो है राइड्स ये ऑफलाइन लेके गए। टोटल किलोमीटर 5508। जैसे कि मैंने बताया इनके पास बाइक है सिटी 100 ES है, ठीक है। और इस तरीके से जो है इन्होंने आप कमाया है 32,529 रुपये। तो ये चंडीगढ़ में चलाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तजिंदर पाजी हमारे दिल्ली NCR में होते थे तो इनका 32,000 जो है ना, ये 50,000 तक टच कर सकते हैं जिस तरीके से ये मेहनत कर। थोड़ी सी मुझे एक नेगेटिव चीज़ इसमें अभी मुझे फील हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे मेरा एज बढ़ रहा है तो मैं बाइक चलाता हूँ, बाइक टैक्सी में तो चलाता हूँ, इसके अलावा आप लोग को पता होगा मैं पर्सनल राइड कितने ज़्यादा करता हूँ। उससे क्या होता है कि बैक पेन जो है ना, वो शुरू हो जाता है। अगर आप 30 या 30 के ऊपर जब एज बढ़ने लगती है, तब आपको ये बैक पेन की इशू आती है। उसके लिए दोस्तों आप शुरू से ही जो है थोड़े बहुत एक्सरसाइज और फिजिकल फिटनेस पे अगर ध्यान देते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी दूर हो सकता है। और एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट आप हर महीने इस जॉब से कर सकते हैं। इस जॉब में देखिए बहुत अच्छा चीज़ ये लगता है ना कि आपको कोई टाइम की बैंड नहीं है, आपका जब मन तब काम करो, जब चलाना है करो, नहीं तो नहीं। आपके दोस्त यार फ्रेंड फैमिली कोई भी घर में आता है उनको अटेंड करो, मतलब आपको सोचना नहीं है किसी चीज़ के लिए। और जब से ये जो कमर्शियल का लफड़ा हुआ है इसमें तो और अच्छा हो गया कि अगर जो फुल टाइम करेगा और उनके बस कमर्शियल बाइक है तो आपको फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जो भी ये पार्ट टाइमर थे ना इस फील्ड में,
और जो प्राइवेट बाइक से काम कर रहे थे वो धीरे धीरे एग्जिट करते जाएंगे जैसे जैसे सरकार इस पर सख्ती करती जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरीके से बाइक टैक्सी डिलीवरी सर्विस से रिलेटेड आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच तजिंदर पाजी, आप अपना जो है अर्निंग हमारे साथ रिवील करने के लिए और शेयर करने के लिए। तब तक के लिए एज ऑलवेज गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द